बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बच्चे, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है साइंस। इसका पेज नंबर नाइन, ठीक है। इस पर हमने क्वेश्चन डी का पार्ट वन कल किया था कि व्हाट आर इंसेक्ट्स, डिस्क्राइब देयर बॉडी स्ट्रक्चर। कीड़े मकोड़े या हशरात क्या होते हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके जिस्म की बनावट कैसी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है व्हाट आर इंसेक्ट्स, ये डेफिनेशन हमने कर ली थी, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्राइब देयर बॉडी स्ट्रक्चर, आज उनका हमने बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि जिस्म की बनावट उनकी वो करनी है। बच्चे इसका आंसर भी पेज नंबर सिक्स पे ही है। बच्चे देखें, कल मैंने आपको इसकी डेफिनेशन करवा दी थी, मुझे याद भूल गई, इसकी एग्जांपल्स भी दो करवानी थी, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स होंगी इसमें, ये है, आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे ये एग्जाम्पल वाली लाइन को, और इसमें आप बटरफ्लाईज एंड आंट्स, ये दो इसकी एग्जाम्पल्स कर लेंगे, इसको हाईलाइट करें इस तरह, जो इसको हाईलाइट करें। और इसका फिर जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर टू था इसी क्वेश्चन का, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो यहाँ से हम करेंगे। ऑल इंसेक्ट्स हैव थ्री पार्ट्स, इनके तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन, जस्ट ये, ठीक है। या आज ये करना है, कल इसकी जो नेक्स्ट ये पॉइंट्स कल करेंगे, ठीक है। आज आपने जस्ट करना है ऑल इंसेक्ट्स हैव थ्री पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन। ये देखिए बच्चे, इस तरह इसको हाईलाइट भी कर लें, और इसके साथ आपने अकेला ये आंसर नहीं लिखना होमवर्क में, साथ में पिछला आंसर रिपीट करना है, ठीक है। इस तरह ये बन जाएगा, इंसेक्ट्स आर क्रॉलीज फाउंड एवरीवेयर इन होम, स्कूल्स एंड पार्क्स, एग्जांपल्स हैं बटरफ्लाईज, आंट्स। फिर नेक्स्ट आप बॉडी स्ट्रक्चर की ये दोगे, और उसके नीचे लिखोगे ऑल इंसेक्ट्स हैव थ्री पार्ट्स, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमन, ठीक है। तो इसको आपने याद भी कर लेना है और लिखना भी है। इसके बाकी दो जो है बॉडी स्ट्रक्चर हम कल करेंगे, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।